गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आज आप लोगों की साइंस की क्लास है। जो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये चैप्टर हम लोग पिछले 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, जो चीज़ें जीवित होती हैं जिनमें जान होती है उसे हम लिविंग कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती अजीव चीज़ों को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला लाइन है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं लिविंग थिंग्स। तो वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ दीज थिंग्स हैव सम हैव लाइफ, सम ऑफ दीज थिंग्स डोंट हैव लाइफ। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सी मतलब देखना, ठीक है, वी मतलब हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जीवित होती हैं, यानी कि उनमें कुछ चीज़ों में जान होती है और कुछ चीज़ों में जान नहीं होती है, सम अदर थिंग्स डोंट हैव लाइफ। तो जिन चीज़ों में जान होती है उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं और जिन चीज़ों में जान नहीं होती है उन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, लिविंग मतलब हैविंग लाइफ, हैविंग लाइफ मतलब लाइफ का होना, उस मतलब लाइफ होती है उसमें, हैविंग मतलब होना, ठीक है। तो लिविंग मतलब लाइफ का होना, ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, जितनी भी सारी जीवित चीज़ें हैं उनमें एक लाइफ होती है। The things which have life are called living things. जो चीज़ें जिनमें life होती है उसे living things कहते हैं। ये आपकी definition हो गई यहाँ से यहाँ तक living things की। The things which do not have life are called non-living things. और ये आपकी हो गई non-living things की definition, जिन चीज़ों में life नहीं होती। Human beings, all plants, animals are all living things. जो इंसान हो गए, human beings को, इंसानों को एक साइंटिफिक वर्ड में ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर हम जो आपके प्लांट्स हैं या आपके जानवर हैं, इन सबको लिविंग थिंग्स कहा जाता है। अब उसी के अलावा अगर आप देखोगे आपके आसपास, आपको मिट्टी दिखेगी, चेयर दिखेगी, टेबल दिखेगी, बुक्स, वॉल्स, जो आपकी बिल्डिंग है, इन सब में लाइफ नहीं होती, तो इसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इस पिक्चर में आप देखो, इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ क्या है, लिविंग थिंग है। यहाँ पे आपके छोटे छोटे, ये आपका बर्ड है, बर्ड क्या है, लिविंग थिंग्स है। काओ आपका लिविंग थिंग है। ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, यानी कि इंसान है, इसको हम लिविंग थिंग कहते हैं। तो यहीं पे अगर आप छोटे छोटे पत्थर देखोगे तो पत्थर क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। अगर इसकी बैलगाड़ी होती जिसमें बैल नहीं होती, सिर्फ गाड़ी गाड़ी होती, तो वो भी क्या होती, नॉन लिविंग थिंग होती। तो अभी इसमें सिर्फ लिविंग थिंग दिख रहे हैं। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो फीचर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जिनसे आपको, जो आपको लिविंग थिंग्स में ही मिलेंगी, वो ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमको सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेंगे। तो आप देखोगे कि ये नीचे दिए हुए ये सारे फीचर्स हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे, जो हमारी बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है। ऐसे हमारे सेल्स में बॉडी जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा स्किन बनता है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो है, हर चीज़ में आप देखोगे छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, सेल्स होते हैं, सारे सेल्स जुड़ के जो है आपका एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन किसे कहते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, वो एक ऑर्गन हो गया, या आपके बोन्स हो गई, वो ऑर्गन हो गए, या आपका ये आपके जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बनता है, सेल से। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब आप इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगा ये सब के, ये किस सब किससे बने, सेल्स से बने, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव।
तो जितने भी लिविंग जो आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबको खाना चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग्स ब्रीद अन ईदर इन एयर और इन वाटर विद नो स्किन और गिल्स। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, या जैसे आपका मछली हो गई तो वो गिल्स से सांस लेती है, पानी के अंदर सांस लेती है। हम लोग इंसान हो गए या फिर जानवर हो गए या प्लांट्स हो गए, वो खुली हवा में सांस लेते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स आपके जो हैं पानी के अंदर भी सांस लेते हैं। तो उसमें यही लिखा है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बेसिकली सांस लेते हैं, चाहे वो पानी के अंदर लें या बाहर लें। और सांस लेने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? नोज़ यूज़ हो सकती है, स्किन से भी कुछ चीज़, जैसे जानवर होते हैं स्किन से सांस लेते हैं, जैसे मेंढक हो गया वो स्किन से सांस लेता है। और गिल्स हो गए आपके, यानी कि जो आपके गिल्स होते हैं मछलियों में, उससे वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो चल सकते हैं, जैसे कि वो क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि घुटनों के बल चल सकते हैं। घुटनों, जैसे हम घुटनों के बल चलते हैं ना, उसको क्रॉल कहते हैं, यानी कि पेट के बल चलना। वॉक यानी कि दोनों पैरों पे चल सकते हैं या चार पैर पे चल सकते हैं। रन यानी कि भाग सकते हैं। स्विम मतलब कि तैर सकते हैं। फ्लाई मतलब कि उड़ सकते हैं। तो वो हिल सकते हैं, बेसिकली लिविंग थिंग्स जो हैं हिल सकते हैं। और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन सेंस। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपके साथ में रखी हुई चेयर टेबल क्या ये सब सूंघ सकती है, देख सकती है? कुछ नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट कौन कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। कोई जानवर होगा वो देख लेगा, ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट्स देख तो नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो फील कर सकते हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी एक ट्रेट अगर लगता है तो वो लिविंग थिंग है। यानी कि जैसे अगर वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपका स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। अगर आप तेज़ाब डाल दो प्लांट्स पे तो वो जल जाएगा, ठीक है, वो मुरझा जाएगा, ठीक। अगर आप उनको प्यासा छोड़ दो, प्लांट्स प्लांट्स को पानी मत दो, तो वो मुरझा जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है, कौन सी नहीं। अब लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज़। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो बड़े होते हैं, पहले बछड़ा है जैसे, फिर ये बड़ा हो जाता है तो गाय बन जाती है या भैंस बन जाती है, कोई भी किटन होती है वो कैट बन जाती है, पपी होता है वो डॉग बन जाता है, बेबीज़ होते हैं वो बड़े एडल्ट्स बन जाते हैं इंसान में, यंग प्लांट्स होते हैं वो बड़े प्लांट्स पेड़ों में बदल जाते हैं, छोटे पौधे पेड़ों में बदल जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, साइज़ में बड़े होते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ और रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जन्म देते हैं, चाहे अंडा दे के दें या फिर दूसरा बच्चा दे के दें, लेकिन वो जन्म दे सकते हैं अपने बच्चों को। अब जैसे आपका कंप्यूटर हो गया या आपका मॉनिटर हो गया या आपका टीवी हो गया, ये दूसरा टीवी पैदा नहीं कर सकता, तो क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज, प्लांट्स प्रोवाइड सीड्स दैट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो बेबीज नहीं निकालते, लेकिन वो सीड्स देते हैं, यानी कि बीज। तो प्लांट से बीज निकलता है जिससे एक नया प्लांट दूसरी जगह उग सकता है, ठीक है। फूड ऑब्टेंड बाय लिविंग थिंग्स। अब जो खाना है वो क्या क्या खाना खाते हैं लिविंग थिंग्स। तो वी ऑब्टेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो हम लोग लिविंग थिंग्स से किस किस तरह की फूड वेराइटी पा सकते हैं वो आप देख लो। हमें लिविंग थिंग्स से, यानी कि चिकन से एग्स मिल जाते हैं, अंडे मिल जाते हैं, हमें मिल्क मिल जाता है काऊ से, ठीक है, गाय से हम दूध ले लेते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम वेर प्लांट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमको प्लांट्स से मिल जाता है, यानी कि आपको सेब मिल जाता है या जितने भी प्लांट्स हैं वो आपको क्या है, कुछ ना कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल आपको प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। और क्या क्या खाने को मिल जाता है हमें, नट्स मिल जाते हैं, बीज जैसे बादाम हो गया और आपके अखरोट हो गए, ये सब तरह के नट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी हमें खाना मिल जाता है, जैसे कि आपने मधुमक्खी का देखा होगा, मधुमक्खी हनी बनाती है, शहद हमको मिल जाता है। कुकिंग ऑयल्स जैसे आपका जो जिसमें हम खाना बनाते हैं, सरसों के तेल से बनता है, तो कभी कोई किसी और वेजिटेबल ऑयल से बनता है, कोई ऑलिव से बनता है, तो इसी तरह जो है हमको ऑयल भी जो है लिविंग थिंग्स से मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हम खाने को हमें मिल जाती हैं लिविंग थिंग्स से, ये हमने पढ़ा।
आगे देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्टेंड बाय लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हमको लिविंग थिंग्स से यानी कि जीवित चीज़ों से नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या मिल जाती हैं। अब जैसे आपका वूल है यानी कि ऊन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ बकरियों से मिलता है हमको, उनकी उनके ऊन उगता है उनकी बॉडी पे, तो वो ऊन काट के हम उसका अपने स्वेटर्स बनाते हैं, कोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वूल एंड फर फ्रॉम शीप ये हम लोग यूज़ करते हैं। और वुड मिलता है हमको यानी कि लकड़ी मिल जाती है पेड़ों से, जिससे हम पेंसिल बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, लकड़ियों के फर्नीचर बना सकते हैं। परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो है हमें पता है बहुत अच्छी खुशबू आती है उनसे, तो हम उनके परफ्यूम्स जो हैं बनाते हैं जो कि बहुत स्मेल करने में बहुत अच्छे लगते हैं, हम अपनी बॉडी पर उसको यूज़ करते हैं। मेडिसिंस फ्रॉम ट्रीज, प्लांट्स हो गए या फिर जितने हर्बल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं ये सब कहाँ से आते हैं, ये पेड़ पौधों से आते हैं, ये आपके मेडिसिंस के तौर पे यूज़ की जाती है। सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स, जो आपका एक कीड़ा होता है वो सिल्क का कपड़ा कहाँ से आता है, उस कीड़ा एक जो है वो धागा निकालता है, वो ये जो कीड़ा है ये कीड़ा एक धागा निकालता है, उसको निट करके हम लोग सिल्क बनाते हैं और फिर सिल्क से हम एक कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये सिल्क का कपड़ा होता है, महंगा होता है। कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, अब कुछ पौधे होते हैं जो पौधे अपने अंदर से कॉटन निकालते हैं, वो ऐसे आपका रुई रुई लगी हुई होती है उनके पेड़ों पे, ठीक है, ये पेड़ों पे ऐसे रुई लगी हुई होती है, तो उस रुई को इस्तेमाल करके हम लोग कॉटन बनाते हैं, कॉटन के कपड़े बनाते हैं। रबर निकलता है रबर प्लांट से, तो जो कुछ पेड़ होते हैं जिनसे रबर मिल जाता है, उस रबर से हम टायर बना लेते हैं या इरेजर बना लेते हैं या रबर बैंड बना लेते हैं, ठीक है। लेदर फ्रॉम एनिमल स्किन्स, तो एनिमल स्किन से हम लोग लेदर बना लेते हैं, जैसे काफ़ी पहले चलता था, अभी तो बैन हो रखा है एनिमल स्किन का लेदर, काफ़ी है एनिमल्स का, मतलब जैसे आपका सोफ़ा होता है उसमें लेदर होता है या हैंड बैग्स होते हैं या बेल्ट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये एनिमल स्किन से बनते हैं। लेदर किससे बनता है, एनिमल की स्किन से बनता है, ठीक है, तो उससे हम अपने सोफ़ा, लेदर का बैग और ये सब बनवा लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है वो पढ़ना है हमको। तो लिविंग थिंग्स जो है हमने पहले पढ़ा था, मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन आपकी चेयर, टेबल, कुर्सी, ट्यूबलाइट वगैरह जो है मूव नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाना नहीं चाहिए होता, ठीक है। आप खाना खाते हो लेकिन आपकी टेबल खाना नहीं खाती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है बड़े होते हैं, बच्चे से फिर बड़े बन जाते हैं, एडल्ट्स बन जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग हमेशा उतने ही साइज़ का, उतने ही शेप का रहता है, वो ग्रो नहीं करता, ठीक। ये तीन हो गए, लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीद, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद। लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस, लिविंग थिंग्स को फील हो सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं या अपना इमोशन, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी इमोशन फील नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स मर जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कभी मरते नहीं हैं क्योंकि वो कभी ज़िंदा नहीं होते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है छोटे बच्चे पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो पहला होमवर्क तो ये है कि आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ 5 लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स इन योर कॉपीज, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये आप अपनी कॉपीज में करेंगे। कोई भी 5 लिविंग थिंग्स बनानी है, कोई आप आदमी बना सकते हो, प्लांट्स बना सकते हो, बर्ड्स बना सकते हो, फिश बना सकते हो, डॉग बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो, उसी तरह 5 नॉन लिविंग थिंग्स आपको बनानी है कॉपीज। अब हम आपके कॉपीज़ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स फूड टू ग्रो, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको फूड की ज़रूरत है बड़े होने के लिए,
तो स्टोन को नहीं है, पेपर को नहीं है, बर्ड को जरूरत है खाने की. सॉरी, यहाँ पे टिक लगेगा. बोट को जरूरत नहीं है. नोज, लंग्स, गिल, स्किन और एयर होल्स आर ऑर्गन्स ऑफ. नोज हो गया, लंग्स हो गया, गिल्स हो गया, स्किन. मैंने आपको अभी बताया किस काम में ये किस लिए यूज़ करते हैं जानवरों में या इंसानों में. नोज क्यों होती है? सांस लेने के लिए. तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन. तो ब्रीदिंग के काम आती है ये वाले ऑर्गन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ग्रोथ. कौन सा जो है ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रोथ नहीं होती? टैडपोल, जो मेंढक होते हैं उसके बच्चों को टैडपोल कहते हैं. स्मॉल प्लांट, छोटे पेड़ में. वास इन अ स्टोर एंड अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हो गया आपका कीड़ा. वास क्या होता है? वो जो आप मटके देखते हो ना, वो उन मटके को वास कहते हैं. एक स्टोर में रखा हुआ वास बोल रहे हैं. तो किस में ग्रोथ नहीं होगी? इसमें नहीं होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल थिंग. इनमें से कौन सी चीज़ नेचुरल नहीं है? नेचुरल और नॉन नेचुरल क्या होता है? नेचुरल जो हमें कुदरत से मिली होती है. नेचुरल क्या होता है? कुदरत से. और नॉट नेचुरल इन जो अननेचुरल होता है वो क्या होता है? जो कुदरत से नहीं मिली होती, जो हम इंसान खुद बना लेते हैं. तो स्टार्स इंसानों ने बनाई है? नहीं. सॉइल इंसानों ने बनाई है? नहीं. सन इंसान ने बनाई है? नहीं. कार किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है. ठीक है, तो कार पे हम टिक कर लेंगे. अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग अमंग दीज इज. जो इंसान ने बनाई हुई नॉन लिविंग थिंग है, इंसान भी तो बना सकते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो इंसान ने बनाई है? माउंटेन इंसानों ने बनाया क्या? लेकिन नॉन लिविंग थिंग है माउंटेन जो है, उसमें जान नहीं होती है. ब्रिज इंसानों ने बनाई है. तो ब्रिज आपका आंसर ठीक है, इसको हम टिक लगाएंगे. यहाँ पे आपका बॉक्स था लेकिन दिख नहीं रहा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया. ब्रिज जो है आपका आंसर ओके है. रॉक इंसानों ने नहीं बनाई लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है. रिवर इंसानों ने नहीं बनाई लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है. तो ये चीज़ आपको समझनी होगी. आंसर दीज क्वेश्चंस. इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स की आपको एक फ़ोटो खींच के भेज दी जाएगी, वो आपको अपनी कॉपीज़ में करने होंगे. फिल इन द गैप्स विद द अप्रोप्रिएट लेटर्स. किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन होता है? लायन. नेम ऑफ द बर्ड. तो इसी तरह ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ऐसी है मेंटल टेस्ट्स के लिए, ये आप लोग ट्राई करेंगे. वैसे यहाँ पे वल्चर आएगा. ठीक है, तो इसी तरह ये है. अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. इनको, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं. ये एक दो मैंने आपको करके दिखाया है. नॉन लिविंग थिंग में भी व्हेन वाटर फ्रीज, जब वाटर फ्रीज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आइस कहते हैं. अब व्हीकल, वी से कौन सा गाड़ी आप जानते हो जो वी से स्टार्ट होता हो? वैन. ठीक है, इसी तरह के हैं. आप इसको अपनी कॉपीज में करेंगे. ट्रू और फॉल्स अब हम करेंगे. एन एरोप्लेन कैन फ्लाई सो इट्स अ लिविंग थिंग. तो एरोप्लेन जो है, जो हवाई जहाज़ है, वो उड़ सकता है, मूव कर रहा है ना, तो वो लिविंग थिंग हो गया, क्योंकि लिविंग थिंग तो उड़ मूव कर सकते हैं ना. नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते, तो एरोप्लेन क्या हो गया? लिविंग थिंग. एरोप्लेन जो है नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता. सारी चीज़ें उसमें, वो खाना नहीं खाता, ग्रो नहीं करता. वो उसमें हमने इंजन लगा रखा है जिसकी वजह से वो उड़ पाता है. ठीक है, यू कीप ग्रोइंग एंड चेंजिंग ऑल द टाइम. ट्रू. हम जो है लिविंग थिंग्स जो हैं, हम लोग ऑल द टाइम, हर टाइम कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज हो रहा होता है या फिर हम लोग बड़े हो रहे होते हैं. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ. सारे नॉन लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हैं? आर मैन मेड. आई एम सॉरी, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड. तो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो मैन मेड हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है. तो क्या ये सही है या गलत? अब जैसे अगर कोई पत्थर है तो क्या इंसानों ने बनाए पत्थर, या रिवर हो गई, या फिर कोई पहाड़ हो गया, ये इंसानों ने नहीं बनाए? तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है. फिश ब्रीद थ्रू गिल्स. फिश जो है गिल्स से सांस लेती है. ट्रू. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. तो एनिमल्स जो है वो जगह जगह मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते. तो ये ट्रू है. प्लांट्स ब्रीद थ्रू नोज एंड एनिमल्स थ्रू पोर्स.
प्लांट्स जो है नाक से सांस लेते हैं और एनिमल्स जो है पोर्स से. तो ये फॉल्स है. प्लांट्स जो है पोर्स से और एनिमल्स जो है नाक से सांस लेते हैं. ठीक है. अ लायन मूव्स अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. तो जो शेर होता है वो खाना पीने के लिए वो मूव कर सकता है. तो ये ट्रू है. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई. तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं. ट्रू. ऑल लिविंग अ स्टोन केप्ट इन अ क्लोज जार डाइज आफ्टर सम टाइम. तो अगर हम एक पत्थर को एक टाइट बॉटल में डाल के छोड़ दें तो वो मर जाएगा कुछ टाइम बाद. फॉल्स, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है. अ सीड ग्रोज इन टू अ स्मॉल प्लांट. तो जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ों में बदल जाते हैं. ट्रू, ये सही है. अब इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हैं दो, इसमें आपको एक टिक करना है. अ मैंगो ट्री इज अ लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. तो मैंगो ट्री क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग? लिविंग. सन इज अ लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. सन में जान नहीं है, वो नॉन लिविंग है. टेबल कैट कैन मूव ऑन इट्स ओन. कैट जो है वो अपने आप में मूव कर सकती है. फिश बुक नीड्स फूड टू ग्रो. मछलियों को खाने की ज़रूरत है बड़ा होने के लिए. पेंसिल इज एन आर्टिफिशियल नेचुरल ऑब्जेक्ट. तो पेंसिल जो है आर्टिफिशियल है, यानी कि इंसान ने बनाई, यानी कि मैन मेड है. मैन मेड को हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं. ठीक है. आगे देख लेते हैं. मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करना है सही आंसर पहले ऑप्शन को दूसरे आंसर से. तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स डाई. लिविंग थिंग्स जो हैं वो कुछ टाइम बाद मर जाते हैं. चाइल्ड ग्रोज इन टू एन अडल्ट मैन. यानी कि एक आदमी में या एक औरत में चेंज हो जाता है. ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. सारे एनिमल्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. अ लायनेस गिव्स बर्थ टू. लायन के बच्चे को क्या कहते हैं? अ कब. द यंग वंस ऑफ अ काओ इज कॉल्ड. एक काओ यानी कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ. ये आपकी बुक में कुछ एक ई क्वेश्चन और है, इसको भी हम करेंगे. फूड गिव्स अस एनर्जी. ठीक है. डैश थिंग्स डू नॉट नीड फूड टू लिव. तो कौन सी चीज़ों को खाने की ज़रूरत नहीं होती? नॉन लिविंग थिंग्स को. सिंपल है. ह्यूमंस ब्रीद थ्रू देयर गिल्स लंग्स. हम इंसान किससे सांस लेते हैं, गिल से या लंग्स से? लंग्स. स्नेक्स यूज देयर बॉडीज टू क्रॉल. ठीक है. तो क्रॉल किससे करते हैं? वो अपनी बॉडी से क्रॉल करते हैं. क्रॉल मतलब पेट के बल चलना. अ डैश गिव्स बर्थ टू अ किटन. तो एक किटन किसका बच्चा होता है? कैट का बच्चा होता है. ठीक है. तो ये और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको कराए ये आप अपनी कॉपीज में करेंगे. और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी आपको फ़ोटो व्हाट्सएप पे आएगी, तो वो भी आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे. थैंक यू.